नमस्ते। द नेशन चैनल को धन्यवाद। सुधी श्रोताओं को शैलेंद्र कुमार का थैंक्स। कजरा की धरती धन्य है जहाँ शांता विराज करती थी। श्रृंगेरी ऋषि आश्रम आज मैं दिल से एक बार नमन करता हूँ। वैसे तो बहुत कम लोगों को पता है कि राम की एक बहन भी थी। कालखंड में जाते हैं तो राम की बड़ी बहन का नाम शांता थी। कौशल्या की बहन रानी वर्षणी थी। उनके पतिदेव का नाम रोमपत था। एक विनय आवेदन पर राजा दशरथ शांता को अंग जनपद के राजा रोमपद को गोद दे दी। कालांतर में शांता बड़ी होती। शांता की विवाह श्रृंगी ऋषि से होता। अब एक सुखद परिचय कजरा वन क्षेत्र का आता। यहाँ सीता कोहवर है। जब राम का विवाह हुआ तो राम कजरा वन क्षेत्र आए अपनी बहन शांता और श्रृंगी ऋषि से मिलने। सीता कोहवर में जो घोगला खोल में अवस्थित है वो कोहवर को दिखाता है। राम विवाह उपरांत जब कजरा वन क्षेत्र में अपनी बहन शांता से मिलने आए तो उनके साथ देवगण भी आए। लक्ष्मण लखना गांव में ठहरे। नर में उत्तम नारायण नरोत्तमपुर में ठहरे। भगवान शिव शिवडी में ठहरे। वासुदेव नंदन वासुदेवपुर में ठहरे। मदन गोपाल मदनपुर में विराजमान हुए। कथ्य और कथानक को देखते हुए रामतलीगंज जो राम का निवास को दिखाते हैं। पुत्रयोष्ठी यज्ञ के क्रम में गंगा को सुरगढ़ा से कजरा वन क्षेत्र तक लाने के क्रम में धनौरी और उरेन के बीच एक बैता बांध बनाया गया जहां से श्रृंगी ऋषि नौकायान के द्वारा अयोध्या के लिए उन्मुख हुए। पुत्रयोष्ठी यज्ञ हुआ। उसके उपरांत राजा दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। आज भी गंगा लघु रूप में पोखरामा यानी पोखर की मां जो एक तालाब के रूप में है उस तालाब के समीप आज एक सूर्य मंदिर है। वैसे तो शांता की चरित्र वाल्मीकि रामायण में नहीं है या उत्तम रामचरितम में मिलती है। आशा है नए तथ्य आपके पास आने पर छिपी संस्कृति से अवगत होंगे। भागलपुर विश्वविद्यालय यानी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एक अंगिका डिपार्टमेंट है जिसमें उत्तर रामचरितम कोर्स में आता है। उसमें उत्तर रामचरितम पढ़ाया जाता है। एक पेपर के रूप में संकलित है जिसमें पीजी में स्टूडेंट एग्जाम भी देते हैं। उसमें शांता का चरित्र बखूबी देखने को मिलता है। ये अंग जनपद के लिए एक गौरव की बात है। जो अंग जनपद की भाषा अंगिका है एक बहुत अच्छी काम हुई अंगिका डिपार्टमेंट के द्वारा। माँ कौशल्या और राजा दशरथ के बीच
कटता आ जाती है। जब राम को पता चलता है माता और पिता के बीच शांता को लेकर कटता है, तब राम अंग जनपद आते हैं, शांता को ससम्मान अयोध्या ले जाते हैं और सुखवे रामायण हो जाता है। गो ग्रीन, जय भारत।